प्रकाश वर्मा डिस्ट्रिक्ट सांबा से बोल रहा हूँ। आज मैं बहुत आभारी हूँ मीडिया साथियों का जो आज हमारे बीच में आप लोग आए, हमारी बात को दुनिया के सामने रखने का जो काम कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का, जिन्होंने जैसे ही जहाँ जम्मू कश्मीर में झूठी बनी धारा 370 हटाने के बाद हमारे को बहुत सारी उम्मीद थी, ओबीसी समाज को पूरी झूठी के अंदर बड़ी खुशी की लहर आई कि हमारे को शायद जो अधिकार 70 सालों से नहीं मिले अब वो हमारे को मिलने जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद भी दी, लेकिन ड्यूटी बनने के बाद भी हमारे ओबीसी समाज का वही हल रहा। हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री साहब से, यूनियन होम मिनिस्टर साहब से, पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा साहब से और हमारे जे के पी के एल बी सिन्हा साहब के, हमारे ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, जैसे आरक्षण अदर स्टेट में है, सेंटर में 27% है, उसी के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन के आधार पर हमारे को भी जहाँ रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि पिछली जितनी भी गवर्नमेंटें रही हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने बेन्याय किया, हमारे लोगों को 2% आरक्षण पर ही रखा, जबकि हमारी पॉपुलेशन अगर हम बात करें अपनी जम्मू कश्मीर ड्यूटी की तो बहुत सारी है। और अब मैं चाहता हूँ, मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा ओबीसी समाज पूरे का पूरा बीजेपी पार्टी के साथ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आदेश के अनुसार हम लोगों ने काम किया। अगर अब हमारे समाज की ये बात नहीं सुनते तो मैं अपने अमित शाह साहब, जे पी नड्डा साहब, सभी पदाधिकारियों जितने भी हैं उनको ये आग्रह भी करना चाहता हूँ, सुनाना भी चाहता हूँ। आज की डेट में हमारा ओबीसी समाज जो है बीजेपी से निराश चल रहा है, क्योंकि हमारा जो रिजर्वेशन का मुद्दा था वो आज तक उन्होंने हल नहीं किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज अगर मोदी साहब तक पहुंचेगी, जूनियर होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचेगी, हमारे को जो उम्मीद थी जिस आज के साथ हम बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े थे, हमारे को यह आरक्षण जो हमारा हक है वो हमारे को मिले, जैसे बाकी स्टेट में दिया वैसे ही अगर अब नहीं मिला फिर शायद हमारे को कभी ये मौका नसीब ना होगा। हम दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे ही अभी इलेक्शन का माहौल बना है, अगर इलेक्शन के दौरान हमारा अगर आरक्षण का मुद्दा ये हल कर देती है गवर्नमेंट, तो ओबीसी समाज पूरे का पूरा 100% मैं खुद से लिख कर दे सकता हूँ कि बीजेपी के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला करके इनका जो 50 पार का सपना है वो पूरा करवाएंगे। अगर इन्होंने हमारे ओबीसी समाज का हल नहीं किया, रिजर्वेशन का मुद्दा जो हमारा है, डिमांड है, जनरल डिमांड है, उसका हल नहीं किया तो शायद आने वाली इलेक्शन में। सर क्या मकसद आज आपका यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए आज यहाँ जो मेन मकसद है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि 1 और 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, तो उस दौरे में ओबीसी समाज को भी काफ़ी आस लगी है कि जो ही जम्मू में आएंगे, और पहली मरतबा तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था यहाँ का, हमारे जो परसेंटेज थी जितनी जो पिछले साल हमें शुरू से मिलती आ रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम मुद्दा जो है वो ओबीसी को लेकर और एसटी को लेकर उठाया है। तो मेरे ख्याल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो ही माननीय गृह मंत्री 1 और 2 तारीख को जम्मू में जा पाएंगे, तो मेरे ख्याल ओबीसी समाज जो है जो पिछले काफ़ी समय से जो नाराज चल रहा है उसके लिए एक खुशी की लहर होगी, और जो आरक्षण की घोषणा है वो माननीय गृह मंत्री जो है वो अपने दौरे के दौरान जम्मू में जरूर करेंगे। सर